वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में बाइसेक्शन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अप्लाई बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट, लर्निंग मॉड्यूल में आपको बाइसेक्शन मेथड का थ्योरी एज वेल एज एप्लीकेशन किस तरह से होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आपके पास हो सकता हो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो या हो सकता हो क्या है एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो, तो उसको किस तरह से बाइसेक्शन मेथड को डील करके बाइसेक्शन मेथड के वर्किंग स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई करके किस तरह से ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। So I hope bisection method, that means bracketing methods, यानी कि आपके पास एक interval है a to b, अगर function a पे क्या है positive है, अगर let, और function b पे क्या है negative है, so that means आपके पास value of the function एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, सो दैट मींस रूट्स लाइज बिटवीन ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। सो आपके पास एक रूट तो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच में। तो बाइसेक्शन मेथड में हम लोग करते क्या है कि ए और बी पहले फाइंड आउट करते हैं, जिस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक में पॉजिटिव होता है दूसरे पे नेगेटिव होता है। आपके पास हो सकता है प्रॉब्लम में वो इंटरवल गिवन हो, या हो सकता हो प्रॉब्लम में इंटरवल गिवन नहीं हो, एक फंक्शन हो। तो आप इनिशियली स्टार्ट क्या करते हैं, आप जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे, टू एंड माइनस टू, और आप ये देखेंगे कि ये फंक्शन किस इंटरवल में आपके पास जीरो से वन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, वन से टू में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। जब ऐसा केस आ जाता है कि हाँ एक एक वैल्यू पुट करने पर एक में वैल्यू पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव आ रहा है, तो उस इंटरवल को आप चूज करके आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड का। सो क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन होगा और इंटरवल भी होगा, या सिंपल सा एक क्या हो सकता है, एक इक्वेशन गिवन हो सकता है। तो बाइसेक्शन मेथड के सबसे पहले वो इंटरवल ढूंढेंगे, अगर इंटरवल अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं उसी इंटरवल को बाइसेक करते हैं। तो दैट मीन्स आपके पास मिड पॉइंट निकालते हैं, ए और बी और आपके पास इंटरवल है तो मिड पॉइंट निकालते हैं, लेट से एम निकालते हैं या आप कह सकते हैं बी वन निकालते हैं, वो क्या होता है ए प्लस बी बाय टू। फिर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं वो जो पर्टिकुलर जो आपके पास जो मिड पॉइंट आया उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन को पुट करके हम ये देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है फंक्शन की उसमें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपके पास ए और बी का इंटरवल आप ए एम और एम बी में क्या कर लिए, ब्रैकेट कर लिए। नाउ अब या तो रूट्स ए एम में लाइट करेगा या रूट्स एम बी वन में लाइट करेगा, और फिर उसी प्रोसेस को क्या करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया कि किस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। इस पीएसएम में वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स लिए गए, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। ये पहला प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफॉर्म फाइव इटरेशंस। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको किस इटरेशन पे प्रोसेस स्टॉप करना है। तो यहां पे कह रहा है फाइव इटरेशन तक आपको परफॉर्म करना है, क्या अप्लाई करना है बाइसेक्शन मेथड को। तो परफॉर्म फाइव इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन क्या गिवन है जो कि अल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाउ स्टूडेंट, क्या यहाँ पे कोई इंटरवल दे रखा है, इंटरवल नहीं दे रखा है। सो दैट मीन्स आपके पास इनिशियली स्टार्ट करेंगे आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में जीरो एक बार पुट करेंगे, एक बार माइनस वन पुट करेंगे। अगर आपके पास ये मिल जाता है कि एक में पॉजिटिव वैल्यू हो रही है एक में निगेटिव वैल्यू हो रही है, तो हम जीरो और वन के बीच में क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। या अगर जीरो वन नहीं होता है तो आप एक बार माइनस वन करके देखेंगे, अगर माइनस वन पे पॉजिटिव जीरो पे निगेटिव हो रहा है तो दैट मीन्स माइनस वन और जीरो के बीच में रूट्स है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हमें सबसे पहली बात एक इंटरवल ढूंढना है क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं दे रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरवल गिवन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरवल नहीं रहेंगे। तो पहला स्टेप आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। नाउ वर्किंग स्टेप्स आपको क्लियर है बाइसेक्शन मेथड का, जस्ट यहां से यहां पे एक रिकॉल कर लेते हैं कि क्या वर्किंग स्टेप्स था हमारा बाइसेक्शन मेथड का, और इस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं उसी वे से क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। सो स्टूडेंट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है लेट। तो सिंस ये तो क्यूबिक आपके पास पॉलिनोमियल है, लेट से आपके पास कोई एक फंक्शन हो, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये है, और आपके पास ये पता है कि इस वैल्यू पे एट दिस पॉइंट आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो रही है। सो लेट से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इजीली बना ले सकते हैं। एक हम लोग लेट एज्यूम करते हैं एक फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसी टाइप से। नाउ अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आपके पास एक इंटरवल आपके पास पता चल गया कि ये a है लेट से और ये b है, और आप या आपको ये दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ था, आपको ये दिख रहा है कि f ऑफ a क्या है, आपका नेगेटिव है, बिलो द ग्राफ है, a पॉइंट पे आप ग्राफ को वर्टिकल परपेंडिकुलर डाले तो यहां पे कोई पॉइंट है, इस वैल्यू
पे फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो यानी कि नेगेटिव है, और आप एफ ऑफ बी देख रहे हैं तो एफ ऑफ बी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। सो दैट मीन्स एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर देख रहे हैं तो वो ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। सो देयर इज अ लाइ, देयर इज अ रूट्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास दिख भी रहा है कि एक रूट्स तो हमको ए और बी के बीच में मिल रहा है। नाउ परफॉर्म किस तरह से करते हैं बाइसेक्शन मेथड को, आपके पास इंटरवल ए और बी पता चल गया तो हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर मिड पॉइंट। नाउ एम ले लिया, एम पे हमने वैल्यू को फर्दर चेक किया, सो दैट मीन्स एफ एफ ऑफ एम निकाला, एफ ऑफ एम फिर से अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एम आपके हो सकता है कि इस यहां पे भी हो सकता था, लेट से यहां पे भी है, लेट से यहां पे हमने एज्यूम किया, तो एफ ऑफ एम इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या है, पॉजिटिव है। अब एफ ऑफ एम पॉजिटिव है, रूट्स ऑलवेज लाइ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, सो आप ये बता सकते हैं कि आपने आपका जो इंटरवल था ए एंड बी उसको आपने ब्रैकेटिंग किया, ब्रैकेटिंग किया क्या कि पहली बात तो ए और बी के बीच रूट्स है, स्मॉलेस्ट इंटरवल में आप फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपके पास हो सकता है रूट्स या तो ए और एम के बीच में हो या रूट्स एम और बी के बीच में हो, यानी कि और हमने क्या किया, कन्फाइन कर दिया इंटरवल को, छोटा इंटरवल कर लिया, सो दैट मीन्स इंटरवल को जितने छोटे करते हुए चले जाएंगे हम रूट्स के नजदीक पहुंचते हुए चले जाएंगे, या अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यूज होगा रूट का वो एग्जैक्ट वैल्यू के क्या होगा, बिल्कुल नियर होगा। नाउ आपके पास या तो केस क्या होगा, रूट्स इसमें है या रूट्स इसमें, ओवरऑल इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आपको ये दिख रहा है कि रूट्स क्या है, ए और एम के बीच में, क्योंकि अभी आपके पास अगर देखा जाए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एम की बात करा जाए तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो। सो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एम क्या है, आपका लेस देन जीरो, यानी कि रूट्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। अगेन इस प्रोसेस को डील करने का ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में फर्दर इसको क्या करेंगे, आप ब्रैकेटिंग करेंगे। तो हो सकता हो आपके पास अब ए और एम को जो बाइसेक कर रहे, एम इज नथिंग बट ए प्लस बी बाई टू, ये जो m की वैल्यूज आई है वो क्या आई है, दोनों इंटरवल को बाइसेक्ट कर गया, एंड पॉइंट को बाइसेक्ट करके आई है, दैट मींस मिड पॉइंट आपने निकाला। अब इस am को फर्दर हम बाइसेक्ट करेंगे, तो हो सकता है एक जो बाइसेक्टिंग होगा a से m1 हो सकता हो m1 से m रूट में हो, तो m1 अब क्या हो जाएगा आपका a प्लस m बाई टू। अगेन फर्दर a और m को आप a और m का मिड पॉइंट निकाल लें, तो हो सकता हो क्या हो, यहाँ हो सकता हो, या तो हो सकता हो यहां भी हो सकता है, अगर यहां पे होगा तो नेगेटिव नेगेटिव रूट्स नहीं लाई करेगा, अगेन यहां से यहां तक में रूट्स में आपके पास कह सकते हैं ए और एम वन के बीच में रूट्स लाई करेगा, वो इस और इस रूट्स के बीच में लाई नहीं करेगा। तो यहां से अगर फर्दर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेटिंग करेंगे और एम वन की वैल्यू निकालेंगे, फिर से आप ए और एम वन का इंटरवल को चेक करेंगे, एम वन और एम का इंटरवल चेक करेंगे, दैट मीन्स हम क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एम की वैल्यू या एफ ऑफ एम वन इनटू एफ ऑफ एम की वैल्यू, इसमें से जो वैल्यूज लेस देन जीरो होगा रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन ऑन दैट इंटरवल। तो यही बाइसेक्शन मेथड है, और ओवरऑल देखा जाए एक इंटरवल चूज करना है और फिर हम लोग मिड पॉइंट इंटरवल का लेते हुए चले जाएंगे, और जो मेन कंडीशन होता है कैलकुलस की, रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, तो इसी चीज को हम पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, सबसे पहली बात एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रखा है, तो इसका स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, इंटरवल सर्च आउट करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अब मेन प्रॉब्लम, आई होप आपको वर्किंग रूल पता चल गया, रिकॉल भी हो गई हुई चीजें, और अपने नोट्सबुक को भी अब अपने पास साथ में रखे हुए हैं। आज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ये जो वर्किंग रूल्स था, ये जो वर्किंग स्टेप्स था, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी कि बाइसेक्शन मेथड हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लगाने जा रहे हैं। तो लेट से आपके पास जो पॉलीनोमियल फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स प्लस वन, तो सबसे पहले इंटरवल सर्च करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट तो इंटरवल सर्च करने के लिए आप एक बार x इक्वल टू जीरो और एक बार x इक्वल टू वन हम लोग पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो यानी कि हम क्या निकाल ले रहे हैं, एक बार f जीरो निकाल ले रहे हैं, एक बार f ऑफ वन निकाल ले रहे हैं। तो f जीरो आपको दिख रहा है जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो f जीरो इज वन, हमको ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू से नहीं मतलब है, हमको ओवरऑल फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू उससे मतलब है, तो साइन आपके पास क्या हो गया, दिस इज योर पॉजिटिव। नाउ कमिंग टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन रखेंगे वन माइनस फाइव प्लस वन, तो ओवरऑल दिख रहा है आपको टू माइनस फाइव, दैट मीन्स माइनस थ्री, दैट मीन्स अ निगेटिव वैल्यू। तो आपका इनिशियल गेस जो जीरो वन है वही क्या हो गया, सही रह गया, क्योंकि हमने एक वैल्यू पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, एक पे क्या है निगेटिव वैल्यू है। सो ओवरऑल इस टाइप का आपके पास अगर फंक्शन हो रखा होगा तो
जीरो पे पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हमने जो स्टेप फर्स्ट है उसका थोड़ा सा हम लोग रफली फिगर भी देख ले कि हो क्या रहा होगा कि जीरो पे वैल्यू कहीं यहाँ है, ऐसा फंक्शन लिया है जिसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट्स ऑल। हमने क्योंकि इक्वेशन की जो है जनरली हमने जस्ट एक रफ फिगर देख रहे हैं, तो जीरो पे आपके वैल्यू एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ जीरो दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बिलो, और लेट्स से दिस इज वन, या आप कह सकते हैं वन में, वन पे ये वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, एफ ऑफ वन नेगेटिव हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक रूट्स लाई कर रहा है जीरो और वन के बीच में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है बाइसेक्शन मेथड के लिए हमें इंटरवल मिल गया। अब हम जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो किस इंटरवल में स्टार्ट कर रहे हैं सर्च आउट करना, जीरो वन, ओपन इंटरवल भी हो सकता है जीरो वन, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, सो दैट मीन्स ए रूट लाइज इन जीरो एंड वन। नाउ स्टेप टू फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। सो स्टेप टू ये आपका क्या है, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन। क्योंकि स्टेप वन जस्ट फाइंडिंग द इंटरवल्स था, तो स्टेप टू आपका फर्स्ट इटरेशन m की वैल्यू क्या हो गई 0.5। तो m की वैल्यू 0 1 के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी पहले हम ये देख लें ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है एट 0.5 पे f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारा क्या था, तो f ऑफ x ओरिजिनली हमारे लिए क्या था, x क्यूब माइनस 5x प्लस 1। नाउ x की जगह हम क्या रख ले 0.5, सो हमें क्या निकालना था f ऑफ 0.5। सो आई होप जब भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या होता है अलाउड होता है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको तो सिंपली इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो लेट से आपके पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0.5 वो क्या है, नेगेटिव है, तो लेट से कहीं यहां होगी 0.5, ये पूरा मिड पॉइंट नहीं है, जस्ट इसको आप कीप इन माइंड कि इस टाइप का, इस टाइप से वैल्यू जा रही है, तो दिस इज योर 0.5 और ये 0.5 पे वैल्यू क्या है आपके पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है कि क्या रूट्स 0.5 और 1 के बीच है या रूट्स 0 और 0.5 के बीच में है, तो आपको दिख रहा है कि 0 और 0.5 के बीच में, क्योंकि 0 पे क्या है पॉजिटिव, 0 पे पॉजिटिव और एफ ऑफ 0.5 पे क्या है लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ 0.5 इज नेगेटिव, तो ऑल रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, आपको दिख रहा है 0.5 और 1 के बीच नहीं है, यही क्या है आपके पास बाइसेक्शन मेथड। तो स्टेप टू इज फाइंडिंग द पॉइंट दैट इज 0.5, हमारे लिए 0.5 क्या है पॉइंट्स है, तो आप ब्रैकेटिंग द इंटरवल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था कि 0 1 को आपने फर्दर क्या किया, बाइसेक्ट किया या ब्रैकेट किया, किस किस इंटरवल में रूट्स या तो 0 से 0.5 के बीच था या रूट्स 0.5 से 1 के बीच था, और आपने ये देखा f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू, ये देखना है एक्चुअली f और f ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू, सिंस एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम डील कर लिए तो डायरेक्ट आप बता दिए कि रूट्स लाइट बिटवीन 0 एंड 0.5। अब इसके भी अकॉर्डिंगली देख लें क्यों, क्योंकि आपका f ऑफ 0 क्या है पॉजिटिव और f ऑफ 0.5 क्या है नेगेटिव, सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या हो गया लेस देन 0, और सिंस ये प्रोडक्ट क्या हो गया एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। सो दैट मीन्स आपका जो स्टेप थर्ड में कौन से दो ब्रैकेटिंग काम आएंगे 0 टू 0.5 यानी रूट लाइज इन 0 एंड 0.5। सो आपका स्टेप थर्ड जो कि आपका सेकेंड इटरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो लेट से दिस वो आपने एम आई निकाला एम वन निकाला आपके यहाँ एम टू निकाल रहे हैं, एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0.5 बाई 2 एंड दिस इज 0.25। नाउ क्या करेंगे आप इस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसको फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें, तो जैसे ही एफ ऑफ एम टू यानी कि एफ ऑफ 0.25 रखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास दिखेगा वो क्या है नेगेटिव। तो ग्राफ से आइडिया ले लेते हैं पॉइंट क्या है, उसके बाद ये प्रोसेस भी हम लोग लगा लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एम टू यानी 0.25 लेस देन 0 है, लेस देन 0 है यानी कि 0.25 आपके पास कहीं यहां रहा होगा जिसपे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है लेस देन 0, एफ ऑफ 0.25 इज लेस देन 0। तो आपको दिख रहा होगा रूट्स 0 और 0.25 के बीच है, ये आपका रूट है,
तो रूट्स 0 एंड 0.25 के बीच में, ना कि 0.25 और 0.5 के बीच है। तो अगेन रफ फिगर से आपको आइडिया मिलता चला जा रहा है कि हम जो है नियर टू जीरो पहुंच रहे हैं या नियर टू दैट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पे रूट्स है, ये आपका अचीविंग पॉइंट है। लेकिन फाइव स्टेप तक करना था, तो 0.25 से और जीरो के बीच हमारे लिए आप क्या है, रूट्स है। तो यानी कि आप बाइसेक्शन मेथड ग्राफली तो समझ ही रहे हैं कि किस हिसाब से हो रहा है। बाइसेक्शन मेथड को डील करने के लिए क्या किया आपने, अगेन ब्रैकेटिंग द इंटरवल्स। तो आपके पास जो इनिशियल इंटरवल था, ये आप कह सकते हैं जो फर्स्ट इटरेशन का इंटरवल आया था वो क्या था, 0.0 to 0.5, और इसको आपने क्या किया, ब्रैकेट किया। यानी कि एक रूट क्या हो सकता है, या तो रूट 0.25 और 0.25 के बीच, या दूसरी रूट जो है या रूट हो सकता है 0.25 से 0.5 के बीच में था। तो इसके लिए या तो हमारे लिए इन ये दो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सिंस आपको दिख रहा है एफ ऑफ जीरो क्या है, पॉजिटिव है, और एफ ऑफ 0.25 नेगेटिव है, तो दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव, क्योंकि 0.25 पे भी नेगेटिव, 0.5 पे भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो रूट्स लाइज इन 0.0 to 0.25। तो जो थर्ड इटरेशन का, उसका आप एम थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपके पास जो इंटरवल है वो क्या आ गया, 0 और 0.25। सो इंटरवल्स छोटे होते जा रहे हैं, और इंटरवल्स जैसे ही आ गए आप फर्दर वो एम आई निकाल सकते हैं, दैट इज M1, M2, M3, उस टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इटरेशन और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेंगे। नाउ जैसे थर्ड इटरेट कर रहे हैं हम लोग, तो M3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस, क्या आपका ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट को यूज कर रहे हैं या किस इंटरवल को यूज कर रहे हैं, 0 to 0.25। तो अगेन मिड पॉइंट निकाला, 0 plus 0.25 divided by 2, विच इज 0.125। नाउ इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लीजिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दैट मीन्स एफ ऑफ M3 निकाल रहे हैं हम लोग। तो नाउ स्टूडेंट, अब जैसे ही आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे आप, या आप वैल्यू निकालेंगे, तो देखेंगे आपके पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसको जो रफ फिगर था उससे समझ लेते हैं कि 0.125 पे वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ 0.125 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तो क्लियर है, 0.25 पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और जो आपके पास ये पॉइंट जो है ये क्या है, वो दैट पॉइंट है जिसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो होगी, तो कहीं 0.125 यहां रही होगी जिसपे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है आपके पास, पॉजिटिव। तो आपको अब दिख रहा होगा कि क्या रूट जो है 0.2125 और किस पे रूट लाई कर रहा है, 0.25 के बीच में। तो अगेन अब सिंस क्योंकि एफ जीरो पॉजिटिव था, एफ ऑफ 1.25 स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई, और एफ ऑफ 0.25 का हम जानते हैं वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो रूट्स लाइज इन 0.125 एंड 0.25, इसलिए हमने थर्ड इटरेशन किया है। सो अब आपके पास जो क्वेश्चन था या आपके पास जो लिखने का तरीका है वो क्या हो जाएगा कि रूट्स लाइज इन 0.125 टू 0.25, क्योंकि आपने रूट्स जैसे ही ब्रैकेटिंग किया 0.025 से 0.025, आपका ब्रैकेटिंग क्या था, एक था 0 से, हो सकता था रूट्स क्या है 0.125 में हो, एक ब्रैकेटिंग क्या था 0.125 टू 0.25। तो ग्राफली तो आप समझ ही रहे हैं, इसको वैल्यू हम ऐसे कैसे निकालते हैं कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.25 निकालेंगे, या हम 0.2125 इंटू एफ ऑफ 0.25। तो आपको यहां दिख रहा है कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव था और एफ ऑफ 0.25 भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल अब ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन एफ ऑफ 0.25 क्या था आपके पास, अगर देखा जाए तो एफ ऑफ 0.25 हमारे लिए क्या था, नेगेटिव था। एफ ऑफ 0.25 क्या है, नेगेटिव, और एफ ऑफ 1.125 क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो क्या हो गया, एक लेस देन 0 यहां मिला। तो दैट मीन्स रूट्स लाइज इन दैट इंटरवल 0.125 to 0.25। तो इसका फर्दर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इसको भी मिड पॉइंट निकालेंगे, और फिर इसी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, जो है आप लिख सकते हैं फिफ्थ इटरेशन दे। तो ओवरऑल जनरली हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, बाइसेक्शन टेबल, और जितने भी रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिख लेते हैं, और फिर रूट्स कहां तक लाई करता है, और जो फिफ्थ इटरेशन के बाद क्या होगा उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। तो बाइसेक्शन टेबल किस हिसाब से मानते हैं, ए और बी वही इंटरवल ले लेते हैं, और फिर एम क्या हो गया, मिड पॉइंट कर रहा है। तो दैट मीन्स जो 0 और 1 से हमने स्टार्ट किया था, इसका मिड पॉइंट लिया 0.5 आया, और रूट्स देख लिया किन दो कॉलम का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, दैट्स ऑल। तीन में से किन दो को कॉलम का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, तो आपको दिख रहा था एफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.5 क्या था, लेस देन 0 था। तो यानी कि रूट्स 0 और 0.5 के बीच है, तो यहां हमने 0 और 0.5 लिख लिया।
फिर इसका मिड पॉइंट निकाला 0.125 आ गया, फिर इन तीनों कॉलम में ये देख लिया इन दो का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होता है, तो जीरो और 0.25 का प्रोडक्ट क्या था, लेस देन जीरो। तो फर्दर आपका जीरो और 0.25 आपका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमेशा मिनिमम वैल्यू लेते हैं, सेकंड कॉलम मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो 0.25 के बीच में फर्दर आपने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला 0.125, फिर फर्दर हमने प्रोडक्ट करके देखा किन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो, तो आपके पास दिखा 0 और 0.25। तो आपके जो ब्रैकेटिंग द इंटरवल था वो आप क्या बना 0.125 और 0.25 के बीच में, तो ये एफ ऑफ जीरो ना ओके ये क्या रहा होगा एफ ऑफ 0.25। तो इन दो का प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे लिए लेस देन जीरो। तो अब आपके पास जो रूट्स है वो क्या है 0.125 और 0.25 के बीच में। फर्दर दैट मीन्स आपके पास थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट इटरेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन, दिस इज योर सेकंड इटरेशन, दिस इज योर थर्ड इटरेशन। नाउ फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा 0.125 और 0.25, इसका आप क्या कर लें मिड पॉइंट निकाल लें। तो नाउ जैसे ही आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0.1875, और 0.1875 और या तो 0.125 का प्रोडक्ट कर लें फंक्शन का, या 0.1875 और 0.25 का प्रोडक्ट कर लीजिए फंक्शन का, वो देख लीजिए किस कौन सा लेस देन जीरो है। तो आपको दिखेगा कि एफ ऑफ 0.25 और एफ ऑफ 0.1875 का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन जीरो। तो इन दो प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जीरो, यानी कि रूट लाइज बिटवीन 0.1875, दिस इज 75 एंड 0.1 0.25। तो फिफ्थ इटरेशन में आपको कहाँ स्टॉप करना था, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती 0.1875 एंड इस कॉलम में रूट 0.25 तक है, तो 0.25, तो आपकी वैल्यू जो यहाँ मिड पॉइंट लिखते वही आपका सॉल्यूशन होता, वही आपका रूट्स होता। तो मिड पॉइंट ऑफ 0.1875 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 0.2187, तो यही आपका क्या हो जाता रूट्स हो जाता, यही आपका सॉल्यूशन होता है। किस तरह से, क्योंकि स्टॉप कहा गया था फिफ्थ इटरेशन तक स्टॉप करना है, क्योंकि अभी भी आप अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे फंक्शन 0.21875 तो नियर टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको वही एक्स निकालना था जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती जीरो हो जाती। तो आई क्वेश्चन कहाँ स्टॉप करते हैं, किस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम को ज्यादा लेंदी नहीं है, जस्ट ये टेबल के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, और आपके पास कैलकुलेटर को आपको यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही क्वाइट सिंपल हो जाता है अगर एलजेब्रा इक्वेशन हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दैट मींस जहां कॉस एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन जिस इक्वेशन कंटेंट करते हैं उसको हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन करते हैं। सो ओवरऑल सॉल्यूशन इज 0.21875। तो आफ्टर 4-5 इटरेशन वी हैव अ सॉल्यूशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे जो है राइट डाउन किए, क्योंकि हर क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा, बाइसेक्शन मेथड को किस तरह से हमने फाइंड आउट किए वो आपको क्लियर हो गया हो। नाउ इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि परफॉर्म 5 इटरेशन, 5 इटरेशन जो है पूछा गया। जनरली क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो 5 इटरेशन करके ही आएंगे आपको क्वेश्चन, और 5 इटरेशन हो सकता है, 6 इटरेशन भी पूछा जा सकता है। तो इटरेशन का एक एग्जैक्ट मीनिंग है आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं या कब स्टॉप करना है आपको उस वर्किंग रूल को, आपको परफॉर्म करना है 5 इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन अ रूट ऑफ द इक्वेशन। नाउ अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोसाइन टर्म भी इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी इन्वॉल्व है। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन होता है तो जनरल कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, तो इसलिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स का क्या है पावरफुल टेक्निक है बाइसेक्शन मेथड, या कैसे तो रूट्स फाइंड आउट करने में भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स बहुत क्वाइट इजिली हो जाता है, इजिली हम हैंडल कर सकते हैं इवन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो जो वर्किंग स्टेप्स है वही इसी को लिखेंगे, लेकिन अगेन बाइसेक्शन मेथड लगाना है आपको इंटरवल सर्च आउट करना है। तो इंटरवल सर्च आउट करने के स्टेप फर्स्ट, क्योंकि आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपके पास इंटरवल नहीं है, तो इसलिए स्टेप फर्स्ट इसका क्या होता है फाइंडिंग द इंटरवल्स वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सो दैट मीन्स वो इंटरवल आपको सर्च आउट करना है एंड देन फिर हमको क्या करना है वर्किंग रूल लगाना है किसका, बाइसेक्शन मेथड का। तो स्टेप फर्स्ट इंटरवल्स, ठीक है इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगेन आप स्टार्ट क्या करते हैं, 0 पुट कीजिए 1 पुट कीजिए, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है तो फिर फर्दर हमें और आगे जाना, या दोनों वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है तो किसी और इंटरवल में हमें चेक करना होगा। तो पहले हमेशा स्टार्टिंग 0 एंड 1, तो
तो एफ जीरो देखा जाए तो क्या है, कॉस जीरो माइनस जीरो इंटू ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो ऑलवेज वन एंड द सेकेंड टर्म इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जीरो का प्रोडक्ट कॉस जीरो इज वन, तो एफ जीरो क्या हो गया, वन हो गया हमारे ना एफ ऑफ वन। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी सारी वैल्यूज है रेडियंस में वैल्यूज है, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो ये सब वैल्यू रेडियंस में, तो कैलकुलेटर का रेडियन मोड में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, कॉस वन माइनस वन इंटू ई की पावर वन, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव इन द सेंस आपका सिंपली एफ वन नेगेटिव है, एफ जीरो पॉजिटिव है, तो रूट्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। यहां से आप क्लियरली हो गया कि रूट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो दैट मीन्स इंटरवल आपका क्या होगा, कहां सर्च करना है रूट्स को, जीरो और वन के बीच में। तो स्टेप फर्स्ट हमें क्या मिल गया, इंटरवल मिल गया जीरो एंड वन। नाउ हम प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे या सिंपली एक बाइसेक्शन टेबल फर्स्ट इटरेशन के लिए बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और उस टेबल को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो बाइसेक्शन टेबल फर्स्ट स्टेप आपके पास पता चल गया कि ये जो इटरेशन है फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास इंटरवल जीरो और वन है, फर्स्ट कॉलम में जीरो एंड सेकेंड कॉलम में क्या कर लिया आपने, वन पुट कर दिया और इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। तो दिस इज, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, मिड पॉइंट निकाल लें ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी बाई टू यानी कि 0.5। नाउ एफ ऑफ जीरो क्या है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ वन नेगेटिव है। अब आप केवल ये देख लीजिए कि एफ ऑफ 0.5 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे ही एफ ऑफ 0.5 निकालेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके कैलकुलेटर में वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो 0.5 पे वैल्यू पुट करना है, सो एफ ऑफ 0.5 कॉस 0.5 माइनस 0.5 इंटू ई पावर 0.5, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था वो था कॉस एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो जहां जहां एक्स था उसकी जगह 0.5 रख लिए। तो ओवरऑल ये वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन में, कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन टर्म, और सिंपली ई की पावर आपके पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट मौजूद है, डायरेक्ट आप साइन को यूज कर सकते हैं, ई की पावर 0.5 निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये वैल्यू है वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एफ ऑफ 0.532 क्या है, पॉजिटिव है, और आपको ये दिख रहा है कि एफ ऑफ वन क्या है, नेगेटिव है। तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ 0.5 ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एफ जीरो इंटू एफ ऑफ 0.5, एक एफ जीरो भी पॉजिटिव है, एफ 0.5 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हमें इधर ये कौन जो लास्ट कॉलम है उसमें वो दो का प्रोडक्ट लिखना है जिसमें लेस देन जीरो होता है। लेस देन जीरो कब होगा, जब आप एफ वन का प्रोडक्ट आप एफ 0.5 से कर देंगे। तो ये लेस देन जीरो आ जाएगा। नाउ जो सेकंड इटरेशन है, जो फाइनल आपका कमिटमेंट आया, जो कंफर्मेशन आया किन दो का प्रोडक्ट जीरो है या लेस देन जीरो है, तो आप कह रहे हैं कि 0.5 और 1, तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या हो जाएगा, जो लोएस्ट वैल्यू है इसमें 0.5, और जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या आ जाएगा, 1। तो नाउ जो इंटरवल था जिसको हम लोग ब्रैकेटिंग करते हैं 0 1 को, 0 टू 0.5 या 0.5 टू 1, तो आपका जो इंटरवल था वो क्या हो गया, 0.5 से 1 के बीच में। तो आपको दिख रहा होगा टेबल से सारी चीजें बहुत आसान तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ आपके पास दिख रहा है इस कॉलम में जो m की m का कॉलम है उसमें हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो सेकंड इटरेशन आपका स्टार्ट हो गया, इंटरवल 0.5 और 1 के बीच में, मिड पॉइंट निकाला 0.75। आपको यहां दिख रहा है 0.5 पे तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब फर्दर आप क्या निकाल लीजिए 0.75 पे वैल्यू और चेक कर लीजिए ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो आपको एफ ऑफ जैसे ही 0.75 रखेंगे, कॉस 0.75 माइनस 0.75 ई पावर माइनस 0.75, तो आपको दिखेगा ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है ये। और एफ ऑफ 0.5 क्या है, अब किस तीन का प्रोडक्ट आपको देखना है, यानी कि ये जो लास्ट कॉलम है किन दो का प्रोडक्ट आपको देखना है कि वो लेस देन जीरो है। तो एफ ऑफ 0.5 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0.75 नेगेटिव है, यानी कि 0.5 और 0.75 का प्रोडक्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप एफ ऑफ 1 और 0.75 को भी बस चेक कर लीजिए, एफ ऑफ 1 नेगेटिव था
0.75 भी नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट कॉलम है उसमें आप क्या रखेंगे, एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 0.75। तो एफ ऑफ 0.5 इज दिख रहा होगा पॉजिटिव, एफ ऑफ 0.75 क्या है आपका नेगेटिव, तो वह इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, आपको थर्ड इटरेशन के पॉइंट्स मिल गए। तो थर्ड इटरेशन में फर्स्ट कॉलम क्या होगा जो इसमें स्मॉलेस्ट है 0.5 और सेकंड कॉलम क्या होगा 0.75। नाउ प्रोसेस अगेन रिपीट, m इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, तो 0.5 प्लस 0.75 डिवाइड बाई टू। तो नाउ आपके पास 0.625 आ गया। फर्दर आप क्या करेंगे 0.625 पे वैल्यू चेक कर लेंगे। जैसे ही 0.625 पे वैल्यू चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन जीरो आएगा। तो ये भी लेस देन जीरो आएगा, यानी कि अभी भी रूट्स कॉलम ए सेम रहेगा, यानी कि एफ ऑफ 0.5, क्योंकि 0.5 पे वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव, 0.625 पे क्या है नेगेटिव, क्योंकि एफ ऑफ 0.75 अगर देखा जाए तो वो क्या था आपके पास नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। तो एफ ऑफ 0.5 इंटू एफ ऑफ 0.75, तो ये वैल्यू क्या हो गया लेस देन जीरो। क्यों हुआ ये लेस देन जीरो, क्योंकि एफ ऑफ 0.5 इज पॉजिटिव, एफ ऑफ 0.625 इज नेगेटिव, एंड प्रोडक्ट रूट लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। आप अगर ये भी चेक कर सकते थे एफ ऑफ 0.75 इंटू एफ ऑफ 0.625, तो आपको यहां दिखता एफ ऑफ 0.75, अभी हम लोगों ने दिखाया कि ये पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0.75 नेगेटिव है और एफ ऑफ 0.625 अगेन नेगेटिव आया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता। लेकिन हमें कौन सा कॉलम है वो चाहिए जिन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो। तो आई होप आपको फोर्थ इटरेशन के पॉइंट्स आपको मिल गए। सिमिलरली इसी स्टेप को फॉलो करेंगे आपको फिफ्थ स्टेप भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं एक बाइसेक्शन टेबल लिख लेता हूं आफ्टर फिफ्थ इटरेशन का, आप उसको क्या कर सकते हैं जो है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। तो जैसे ही हमने थर्ड इटरेशन कंप्लीट किया था, फोर्थ इटरेशन में क्या आप लिखते, आपके पास 0.5 और 0.625 हो जाता, इसका मिड पॉइंट 0.5625 हो जाता। फर्दर आप यहां देख रहे हैं कि फर्दर इन दो का प्रोडक्ट ही लेस देन जीरो है, यानी रूट्स लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.5625, दिस इज 0.5। तो अब फिफ्थ इटरेशन में कहां स्टॉप करना है आपको, 0.5 और 0.5625 लिखना था, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते, यही आपका क्या था सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। आफ्टर फिफ्थ इटरेशन में आपको स्टॉप कर देना था। अब फर्दर भी इसको स्टॉप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिक्स्थ इटरेशन होता तो एक और आपके पास क्या होता, एक और रो एडिशनल आपको काउंट जो है कैलकुलेट करना था। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपली फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करते हुए चले जाते और ये चेक कर लेते जो इंटरवल्स है वो किस छोटे इंटरवल्स में लाई कर रहा है। तो आपके पास ओवरऑल एक इंटरवल के लिए हमेशा दो में ब्रैकेट करते हैं, दो इंटरवल में ब्रैकेटिंग करते हैं और फिर दो इंटरवल को हम लोग इस मेथड से रूट सॉल्व लाइफ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू से एक को नेग्लेक्ट कर देते और एक को हम लोग टेक कर लेते हैं क्योंकि उसी में रूट्स है और उसी को मिड पॉइंट फिर फर्दर निकाल निकाल के हम वैल्यू जो है रूट्स जो है इक्वेशन की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ये आप कह सकते हैं रूट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन 0.53125। आई होप स्टूडेंट आपको बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछता है बाइसेक्शन फाइंड जो है वर्किंग रूल आप बताइए किस हिसाब से वर्किंग रूल है, क्या स्टेप्स है वर्किंग रूल, और फिर उस वर्किंग रूल को अप्लाई करिए फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन एल्जेब्रिक और एज वेल एज ट्रांसेंडेंटल। सो या तो इंटरवल देगा या इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोगों ने इंटरवल निकाला किस इंटरवल पे लाई करें। सो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया होगा किस स्टेप से हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट फाइंडिंग द इंटरवल एंड देन जो स्टेप्स है वो आपका यूजुअल जो बाइसेक्शन मेथड्स का स्टेप्स है उसको लगाना होता है। So I hope student now you are able to apply the bisection method for finding the roots of a equation. Equation may be transcendental or equation may be algebraic equation. So again, either in equation we have our intervals or we can
फाइंड द इंटरवल्स एज वेल। सो सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं उस इंटरवल्स में हम बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, उसके रूल्स को अप्लाई करते हैं, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड में हमें इंटरवल चाहिए और इंटरवल को ही जो पॉइंट्स हम निकालते हैं फर्दर उसको मिड पॉइंट करके निकालते हैं, यानी कि दोनों इंटरवल्स का जो एंड पॉइंट है उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जस्ट ए प्लस बी बाई टू के मेथड से। और फिर फर्दर हम ये चेक कर लेते हैं कि रूट्स ऑलवेज लाइट बिटवीन, इस बात का ध्यान रखते हैं कि रूट्स ऑलवेज लाइट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो एफ ऑफ ए पता चल जाता है, एफ ऑफ बी पता चल जाता है कि वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, और साथ ही साथ एफ ऑफ एम मिड पॉइंट उससे वैल्यू चेक कर लेते हैं, और फिर किस इन तीन में से इस दो का प्रोडक्ट क्या होता है लेस देन जीरो, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस, बाइसेक्शन मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो आप इसी मेथड से इसी वर्किंग स्टेप से आप सारे क्वेश्चन को ईजिली डील कर लेंगे।